आज हमारे गांव में अष्टयाम के लिए कलश यात्रा का दोस्तों आयोजन हो रहा है, जिस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए दोस्तों मैं जा रही हूँ। बिकॉज 4 या 5 साल से तो मुझे मौका नहीं मिला था, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, पटना थी, अपना पढ़ाई कर रही थी। तो इस बार मौका मिला है इस साल, तो मैं इस मौके को दोस्तों गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे कलश यात्रा में बहुत ही एक्साइटमेंट होता है जब सुनती हूँ कि कलश यात्रा का आयोजन हो रहा है। और दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि मैं पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा आस्था और विश्वास श्रद्धा रखती हूँ दोस्तों, तो इस वजह से दोस्तों मुझे कलश यात्रा में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मैं खुश हूँ, क्योंकि इस बार मुझे मौका मिला है कि मैं कलश यात्रा के इस आयोजन में दोस्तों मैं सम्मिलित हो पाऊँगी। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों, तो सुबह 8 बजे से यानी कि अब 1 घंटा बाद से कलश यात्रा आयोजन में सम्मिलित होने के लिए मैं जाऊंगी, और वहां हम लोग कलश यात्रा में माँ गंगा नदी के घाट पर जाएंगे और वहां से कलश लेकर आएंगे और माँ दुर्गा मंदिर में रखेंगे दोस्तों। और फिर अगले दिन यानी कि कल दोस्तों कलश यात्रा का आयोजन हो गया है, उसके बाद उस कलश से हम लोग मतलब अष्टयाम करवाएंगे दोस्तों। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस कलश यात्रा में शामिल हो रही हूँ दोस्तों। तो मैं अब मिलती हूँ आपको सीधा गंगा नदी के घाट पर। तो दोस्तों अब हम लोग माँ दुर्गा के मंदिर में पहुँच गए हैं, और वहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं यानी कि जो भी कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग भी अगर सारे लोग आ जाएंगे और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जो जो कलश यात्रा में जाने के लिए इच्छुक हैं, तब हम लोग वहाँ से चलेंगे। और मैंने अपना कलश ले लिया है दोस्तों। श्रद्धालु हैं जो भी कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं उन सब के लिए कलश पूजा का व्यवस्था किया गया था दोस्तों, और पंडित जी कलश की पहले पूजा करवा रहे थे जिस कलश से जल भरा जाता है। तो दोस्तों अब सारे श्रद्धालु इकट्ठे हो गए हैं और अब हम लोग कलश यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। करेंगे मंदिर।
तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली गंगा नदी के घाट पर से आ गए हैं जहाँ पे कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। दोस्तों अब हम लोग माँ दुर्गा के मंदिर में आ गए हैं और अपना अपना कलश स्थापित कर रहे हैं सब लोग। कलश यात्रा से मैं आ गई हूँ वापस और मैं काफी थक गई हूँ दोस्तों, तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। जैसा कि मैंने बताया कि 24 घंटा के लिए हरि कीर्तन होता है यानी कि अष्टायाम होता है दोस्तों, तो जो कि कल से ही स्टार्ट हो गया है। कलश यात्रा से आने के 1 घंटा बाद से ही अष्टायाम का आयोजन हुआ है और अष्टायाम शुरू हो गया है दोस्तों, जिसमें मैं आई हूँ हवन करने के लिए। पूरे 2 दिन तक फास्ट रखा जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हवन कंप्लीट हो गया है और हवन के बाद परिक्रमा की जाती है और अष्टायाम में भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती की जाती है। तो आप सब देख सकते हो कि परिक्रमा करते वक्त भगवान जी की आरती हो रही है और सारे श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये कलश यात्रा स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।